हाय एवरीवन, तो टुडे वी विल डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिए जाएं तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे. These are congruent triangles. और similar triangle का मतलब होता है कि they looks like same, but their size is different. तो क्या मतलब हुआ? All congruent triangles are, all congruent triangles are सिमिलर, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सिमिलर दिखेंगे, लेकिन सिमिलर दिखने वाले ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाए. तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होते हैं जिससे जिसकी मदद से कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ किया जा सकता है. तो ट्रायंगल मींस तीन, ट्राई मींस थ्री. तो तीन एंगल और तीन साइड्स. तो ए ए ए ये तीन एंगल रिप्रेजेंट कर दिया, एस 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 ये साइड्स रिप्रेजेंट कर दिया. तो क्या हो गया? अब फर्स्ट चीज आएगी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी. क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी फर्स्ट. तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर. ये दिस इज ट्रायंगल, क्या नाम ले लें, पी क्यू आर इसको ले लेते हैं, पी क्यू आर. और इसको ले लेते हैं एम एन ओ. ठीक है, इसके भी तीन एंगल्स और तीन साइड्स होंगे, एस एस एस. तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सब एक साथ लिख रहा हूं मैं, एस 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 क्राइटेरिया. यदि किसी दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हों तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. तो जैसे PQ इज इक्वल टू MN, QR इज इक्वल टू NO और PR इज इक्वल टू MO. तो ये तीन ट्रायंगल, किसी दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर दिखा दिए जाए तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. दूसरा एस ए एस, इसमें आर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंस है. एस ए एस दो साइड और उनके बीच का एंगल. तो जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसी के करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इनके बीच का एंगल सेम है तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो अपने केस में क्या हो जाएगा, एक तो एस, फर्स्ट एस का मतलब ये वाली साइड, पी क्यू इज इक्वल टू एम एन, पी क्यू इज इक्वल टू एम एन. फिर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम होना चाहिए, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम. और फिर ये दूसरी साइड जो इस एंगल को बना रही है, मींस पी आर इज इक्वल टू एम ओ, पी आर इज इक्वल टू एम. तो एस ए एस क्राइटेरिया, फर्स्ट इज एस 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 क्राइटेरिया, सेकंड इज एस ए एस क्राइटेरिया, थर्ड वन इज ए एस ए, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड. तो कैसे दो एंगल, मैं एंगल क्यू और एंगल आर को ले लेता हूं और उनके बीच की साइड. तो क्या मतलब हुआ, एंगल क्यू एंगल एन के बराबर हो, एंगल आर एंगल ओ के बराबर हो और क्यू आर एन ओ के बराबर, तो वो भी ट्रायंगल को, पूरे ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट माना जा सकता है. तो क्या कंडीशन हुई, एंगल क्यू मस्ट बी इक्वल टू एंगल एन, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल,
एस साइड इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड होनी चाहिए. क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू एनओ, क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू एनओ एंड एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू एंगल ओ, एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू एंगल ओ. तो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया ए एस ए. फोर्थ है ए ए एस. जरूरी है कि दोनों एंगल्स के बीच की साइड हो, कोई दो एंगल उसका एडजेसेंट साइड यदि बराबर है तो भी एंगल ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगे. जैसे अपने केस में इसी दोनों एंगल्स को ले लें, एंगल क्यू एंगल एन के बराबर हो, एंगल आर एंगल ओ के बराबर हो और उसके बगल वाली साइड मतलब पी आर एमओ के बराबर. क्या मतलब हुआ? एंगल क्यू मस्ट बी इक्वल टू एंगल एन फर्स्ट एंगल, एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू एंगल ओ सेकेंड एंगल एंड उसके एडजेसेंट साइड पी आर इज इक्वल टू एमओ. ठीक है, ए एस इधर से एंटी क्लॉकवाइज भी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. एंगल ओ एंगल आर के बराबर हो, एंगल एन एंगल क्यू के बराबर हो और पी क्यू साइड एम एन के बराबर हो तो भी ट्रेंगे दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो भी दोनों एंगल. और लास्ट है फॉर राइट एंगल ट्रेंगल, फॉर राइट एंगल ट्रेंगल्स. दो ट्रेंगल एक राइट एंगल है, मतलब क्या है 90 डिग्री वाले ये दो ट्रेंगल. इसमें एक ही कंडीशन सफिशियंट है, इफ देयर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल तो क्या होगा, एंगल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. हाइपोटेन्यूज अकेला बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये दोनों साइड में ये हाइट एंड बेस पे नहीं चलेगा, हाइट हाइट बराबर है, जरूरी है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि बेस बदलेगा तो हाइपोटेन्यूज बदल जाएगा. लेकिन यदि ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है वो फिक्स है तो एक ही तरीके का ट्रायंगल बनेगा, उसमें कोई अल्टरेशन किया नहीं जा सकता. तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया एस 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 ए और ए एस. अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है एस एस ए क्राइटेरिया नहीं है. यदि दो साइड उसके बगल का एंगल बराबर कर दे दोनों ट्रायंगल में तो वो जैसे क्यू आर इज इक्वल टू मैंने एनओ प्रूफ कर दिया, आर पी इज इक्वल टू मैंने ओ एम प्रूफ कर दिया और एंगल ए इज इक्वल टू मतलब एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एम प्रूफ कर दिया तो जरूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो. तो एस एस ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस 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 इसमें ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है. एस ए एस दो साइड उनके बीच का एंगल, ए एस ए दो एंगल उनके बीच का साइड, एंगल एंगल एडजेसेंट साइड. लेकिन एस एस ए क्राइटेरिया वैलिड नहीं है, मतलब साइड साइड उनका एडजेसेंट एंगल यदि बराबर कर दिया जाए जरूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स. अब नेक्स्ट आता है, ये मैं साथ ही में बता दे रहा हूं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. तो वो तो कॉन्ग्रुएंसी था, यहां पे क्या हो गया सिमिलरिटी की. सिमिलरिटी सिमिलरिटी का मतलब ये और इस तरह का क्या क्राइटेरिया. तो इसमें देखो इसमें क्या है ए ए ए फर्स्ट क्राइटेरिया, मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को ले लूं इसी को सिमिलर जैसा मान लूं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, एंगल पी मस्ट बी इक्वल टू एंगल एम, एंगल क्यू मस्ट बी इक्वल टू एंगल एन एंड एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू एंगल. यदि तीनों एंगल्स बराबर है तो 100% बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर. ये क्राइटेरिया यहां पे नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन सिमिलरिटी के लिए ए ए ए इज ए कंफर्म कंडीशन.
फिर यहां पे भी आता है एस एस एस, लेकिन इस एस 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 में और इस एस एस में डिफरेंस है। यहां पर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब हुआ? यहां पर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट है, यहां पर ऐसा नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है। क्या मतलब हुआ? पी क्यू डिवाइडेड बाई एम एन, पी क्यू और एम एन का जो रेशियो है, पी क्यू डिवाइडेड बाई एम एन इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई एनओ, क्यू आर डिवाइडेड बाई एनओ इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाई एमओ। तो ये कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, ये कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब ये तीनों इक्वल होंगे और कुछ रेशियो आएगा। तो यदि तीनों इक्वल है रेशियो, एस 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 इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर। और यही के जब वन हो जाता है, यही के जब वन हो जाए, के वन का मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो वो कॉन्ग्रुएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक क्राइटेरिया ए भी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है सिमिलरिटी में, एंगल तो इक्वलिटी के लिए टेस्ट होगा, लेकिन साइड प्रोपोर्शनैलिटी के लिए टेस्ट होंगे, साइड इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी के लिए टेस्ट होंगे। जबकि कॉन्ग्रुएंसी के केस में एंगल भी इक्वलिटी के लिए टेस्ट होगा और साइड भी इक्वलिटी के लिए टेस्ट होगा। थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया। तो मैंने जैसे बताया कि सिमिलरिटी के लिए साइड प्रोपोर्शनैलिटी के लिए चेक होंगे, मतलब दो साइड उनके बीच का एंगल, दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए। तो जैसे मैं यहां इस केस में ले लूं, पी क्यू एम एन और पी आर और एमओ, ये दो साइड्स ले रहा हूं, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, पी एंगल एंड एम एंगल। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट साइड पी क्यू डिवाइडेड बाई एम एन, पी क्यू डिवाइडेड बाई एम एन, ये प्रोपोर्शन लास्ट साइड जो है उसके सेम प्रोपोर्शन होनी चाहिए, पी आर डिवाइड बाई एमओ। तो ये एस एस वाली कंडीशन ऐसे प्रोपोर्शनल होने चाहिए, साथ में एंगल इक्वलिटी से इक्वेट होगा, एंगल पी मस्ट बी इक्वल टू एंगल एम, एंगल पी मस्ट बी इक्वल टू एंगल एम। तो ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो गई, इन तीनों में से कोई कंडीशन, तो जैसे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से इसमें से यदि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बाकी ऑटोमेटिक वैलिड हो जाती है और ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है। इसी तरह से इन तीन में से कोई एक, तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया मैंने एक जगह टैबलेट कर दिया ताकि मेमोरी में भी आसान रहे और मैसी ना रहे। तो अब नेक्स्ट इस पे कुछ प्रॉब्लम्स डील करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं यहीं पर इसको रोकता हूं, ये फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पे कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा हाउ दीज क्राइटेरिया कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो टिल देन गुड बाय, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, यदि लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि मैं आगे वीडियो बनाता रहूं जो आपको हेल्प कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।